कई मांगों को लेकर मंगलवार को राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष जे एन तिवारी ने गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता के माध्यम से कहा कि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद प्रदेश में कर्मचारियों को एक बड़ा संगठन है जिसमें करीब 200 के आसपास संगठन संबंध है। कर्मचारियों की कुछ मांगे हैं जिन पर हम लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं। छोटी छोटी समस्याओं का निराकरण भी हुआ है, कुछ समस्याओं के निराकरण के लिए शासन स्तर से आश्वासन भी मिला है। इस दौरान प्रेस वार्ता में जसवंत सिंह, जयप्रकाश लाल श्रीवास्तव, आशीष कुमार त्रिपाठी, आर एन पांडे, रामेश्वर पांडे, ब्रिजभूषण मिश्रा, विनय पांडे, ऐश्वर्या राम त्रिपाठी सहित अन्य राज्य कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए प्रदेश अध्यक्ष जे एन तिवारी ने कहा, सरकारों को झटका जो जारी नहीं है, कर्मचारी का झटका लगाने जितने होता ना तो सरकार उसकी एक एक करके समय सुविधाएं छीनती नहीं जाती। जे एन तिवारी, अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश। ये राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद प्रदेश में कर्मचारियों का एक बड़ा संगठन है जिसमें करीब 200 के आसपास संगठन इसके साथ संबद्ध हैं। कर्मचारियों की कुछ मांगे हैं जिन पर हम लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं। इसमें पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली है, आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण है, वेतन विसंगतियों को लागू किया जाना है, भत्तों पर निर्णय लिया जाना है, रिक्तियों पर निर्णय लिया जाना है, कर्मचारियों की भर्ती नहीं हो रही, तमाम पद खाली पड़े हुए हैं। इनको लेकर के पिछले कुछ दिनों से हम लोगों ने कई बार मुख्य सचिव मुख्यमंत्री से वार्ताएं भी किया है और छोटी छोटी समस्याओं का निराकरण भी हुआ। इन समस्याओं के निराकरण के लिए भी हालांकि शासन स्तर से आश्वासन मिला है कि सरकार इस पर जल्दी निर्णय लेगी, लेकिन कर्मचारियों के बीच हम एक जागरूकता पैदा कर रहे हैं, यदि 15 जून तक सरकार इस पर निर्णय नहीं लेती है तो 15 जून के बाद हम एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे।